बढ़ते दौर और समाज में महिलाओं के प्रति आज भी मानसिकता उनके कद को बढ़ने नहीं दे रही है। इन दिनों तो शादीशुदा महिलाएं भी पढ़ाई करके हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं, लेकिन उत्तराखंड में एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसे सुनकर हर कोई परेशान है। यहाँ अल्मोड़ा के एक स्कूल में क्लास की एक छात्रा को इसीलिए बैठने नहीं दिया गया क्योंकि लड़की की शादी हो गई है। जानकारी के मुताबिक यहां एक 19 वर्षीय छात्रा को उसकी शादी के कारण कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। स्कूल प्रशासन ने इस फैसले के पीछे विवाहित छात्रों के खिलाफ नीतियों का हवाला दिया है। शादी के बाद छात्रा स्कूल आई तो उससे कहा गया कि तुम्हारे यहां रहने से माहौल खराब हो जाएगा, इसीलिए अब प्राइवेट पढ़ाई करो। छात्रा का कहना है कि वो स्कूल जाना चाहती है और आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन उसे मना किया जा रहा है। हालांकि मामला बढ़ने पर डीओ ने दखल दिया और छात्रा को अस्थायी रूप से क्लास में आने की अनुमति दी। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।